एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज्योति कपूर। आई एम ज्योति कपूर। गाइस, हमारा मैथ्स के टॉपिक चल रहा है सब्ट्रैक्शन का। हमने सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स किए, सब्ट्रैक्शन के सम्स किए, टू डिजिट, थ्री डिजिट, फोर डिजिट विद बोरो। फिर हमने किया सब्ट्रैक्शन विद यूजिंग एक्सपेंडिंग फॉर्म। और आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन स्टोरी सम्स। स्टोरी सम्स में हमारे पास स्टेटमेंट होगी, हमें उस स्टेटमेंट को देखकर अपना सब्ट्रैक्शन का सम सोल्व करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा फर्स्ट सम है, हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, अ शॉपकीपर हैज 2645 ट्राउजर। एक शॉपकीपर के पास ट्राउजर थे 2645 एंड शर्ट्स, ट्राउजर और शर्ट्स थी उसके पास 2645। If he has 1742 trousers, total trouser और shirts को अगर count करके उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास 2645 trousers और shirts है, उसमें से हम अगर trouser अलग लगा दे तो हमारे पास है trouser 1742। 2645 में से 1742 हमारे पास trouser है, तो बाकी हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी शर्ट्स डज ही हैव नाउ, कि हमारे पास शर्ट्स कितनी है। तो गाइस, हम अपना सम स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेटमेंट में हमारे पास शॉपकीपर के पास ट्राउजर और शर्ट्स थे 2645। तो हम इसकी स्टेटमेंट कैसे राइट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स। ट्राउजर और शर्ट्स को हमने किसमें डिस्क्राइब कर दिया, क्लोथ्स में। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, स्टोरी सम को जो हमें स्टेटमेंट दी है उसे वन टाइम नहीं रीड करना। वन टाइम, टू टाइम, फिर भी समझ नहीं आता तो हमें पहले उसको अच्छे से थ्री टाइम्स अच्छे से रीड करके फिर अपना सम स्टार्ट करना है, तो इजीली सॉल्व हो सकता है हमारा सम। अब टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स मीन्स ट्राउजर और शर्ट्स को हमने क्लोथ्स नाम दे दिया, कितने उनके पास 2645। हम इसके ऊपर पीरियड स्ट्राइक कर देंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। वंस में हमारे पास फाइव, टेंस में हमारे पास फोर, हंड्रेड में सिक्स एंड थाउजेंड में टू। उसके बाद ट्राउजर्स दिए हुए हैं 1742, खाली ट्राउजर्स की नंबर्स बताए हुए 1742। लिखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट, नंबर्स ऑफ ट्राउजर्स, नंबर ऑफ ट्राउजर्स, कितने ट्राउजर्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं 1742। इट मींस वंस प्लेस पर टू, टेंस प्लेस पर फोर, हंड्रेड प्लेस पर सेवन एंड थाउजेंड प्लेस पर वन। अब हमें लास्ट स्टेटमेंट रीड करनी है कि हाउ मेनी शर्ट डज ही हैव। अब उसके पास शर्ट्स कितनी है, टोटल जो क्लोथ्स थे उसमें से ट्राउजर अलग हो गए तो बाकी जो बचगी वो हमारी क्या होगी, शर्ट्स। तो हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, क्लोथ्स में से ट्राउजर अलग हो गए, शर्ट्स अलग होगी, तो पहले हम शर्ट्स फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास टोटल क्लोथ्स है उसमें से ट्राउजर दे दिया, अब हमें शर्ट्स फाइंड करनी है, तो हम उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, फाइव में से टू कट हो सकता है, तो हमें टू से लेकर काउंटिंग अपनी फाइव तक लेकर जानी है, थ्री, फोर एंड फाइव, हमारे पास नंबर बच गया थ्री। अब वंस में, टेंस में फोर है, ऊपर भी फोर, नीचे भी फोर, फोर में से फोर कट की जीरो। नेक्स्ट है सिक्स और नीचे है सेवन, सिक्स में से सेवन कट नहीं हो सकता, सिक्स स्मॉल नंबर है, सेवन बिग नंबर है, तो क्या कर लेंगे हम, थाउजेंड से वन बोरो ले लेंगे। बोरो लिया तो ये बन गया 16 और यहाँ पर नंबर रह गया ओनली नंबर वन। तो 16 में से 7 कट करने के लिए 7 से लेकर 16 तक हमें काउंटिंग काउंट करनी है, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 16 में से 7 कट किया, हमारे पास नंबर आ गया 9। लास्ट हमारे पास थाउजेंड प्लेस में बचा वन और नीचे भी वन, तो वन में से वन कट की जीरो। तो हमारे पास शर्ट्स की कितनी संख्या आ गई, नंबर ऑफ शर्ट्स आ गई 903।
तो ये था गाइस हमारा सम स्टोरी सम वन मोर एग्जांपल में वन मोर एग्जांपल में हमारे पास स्टेटमेंट है अ स्कूल टुक 1064 स्टूडेंट टू वॉच द रिपब्लिक डे परेड. जब हमारे यहाँ रिपब्लिक डे परेड हुई तो स्कूल स्टूडेंट्स लेकर गए थे देखने के लिए 1064. इफ 509 स्टूडेंट्स वर बॉयज, उसमें जो स्टूडेंट्स थे बॉयज थे उसमें 509, तो हमें फाइंड करना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ गर्ल्स. तो जो बॉय टोटल स्टूडेंट में से बॉयज हमें उन्होंने बता दिए, तो हमें फाइंड करना है कि गर्ल्स कितनी थी. वन टाइम हमने रीड किया, नेक्स्ट टाइम हम एक बार और रीड करेंगे. अ स्कूल टुक 1064 स्टूडेंट टू वॉच द रिपब्लिक डे परेड. रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए स्कूल स्टूडेंट्स को लेकर गए, कितने स्टूडेंट्स थे 1064. उन्होंने कहा है कि 509 उसमें से बॉयज है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है. तो हम स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे. हमारे पास है स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इसको भी ऐसे पीरियड्स में राइट करेंगे, वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड. हमारे पास स्टूडेंट्स थे वंस प्लेस पर टू, टेंस प्लेस पर सिक्स, हंड्रेड प्लेस पर जीरो एंड थाउजेंड प्लेस पर वन. उसके बाद है इफ 509 स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हैं हमारे पास 509. तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज है हमारे पास 509. तो हम इसको 9 हमारा वंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पर जीरो एंड हंड्रेड प्लेस पर फाइव. अब हमारे पास थाउजेंड प्लेस पर कोई डिजिट नहीं है, तो हम वहां जीरो राइट कर सकते हैं. लास्ट स्टेटमेंट में है हमारे पास हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ गर्ल्स, जो बॉयज हो गए अब हमें निकालना है कि उनमें से गर्ल्स कितनी थी. टोटल स्टूडेंट्स ये थे, उसमें से बॉयज बता दिए और गर्ल्स हमें फाइंड करनी है. तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी थी 1064 में से 509 जो हम माइनस करेंगे, मीन सबट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा गर्ल्स निकल आएगा, गर्ल्स कितनी थी उस पीरियड में. तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. 4 में से 9 नहीं कट हो सकता क्योंकि 4 स्मॉलर नंबर है, तो हम क्या करेंगे, टेंथ प्लेस से 1 बोरो ले लेंगे, 1 बोरो लिया तो ये हमारा नंबर बन गया 14 एंड यहाँ आ गया हमारा नंबर 5. 14 में से 9 कट करने के लिए हमें 9 से काउंटिंग स्टार्ट करके 14 तक लेकर जानी है, 10, 11, 12, 13 एंड 14, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 14 में से 9 कट किया, 5, नेक्स्ट है हमारे पास 5 और नीचे हमारे पास 0, 5 में से 0 कट करेंगे तो 5, नेक्स्ट है 0 ऊपर है नीचे 5 है, तो हमें क्या करना है, इसे 10 बनाना है. इट मीन्स हम इससे बोरो लेकर 10 बनाएंगे, यहाँ रह जाएगा नंबर 0 और ये बन जाएगा 10 बोरो लेने के बाद. अब 10 में से 5 कट करेंगे, 5 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 1, 2, 3, 4 एंड 5 और 1, 0 में से 0 कट किया 0, तो ये हमारे पास कितनी गर्ल्स आ गई 555. तो ये थे गाइस स्टोरी सम्स, सबट्रैक्शन से रिलेटेड स्टोरी सम्स. अगर आपको सबट्रैक्शन में स्टोरी सम से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी.